आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के सहयोगी दलों से समर्थन के लिए करेंगे संवाद। मिशन 2024 में जुटी यूपी बीजेपी, आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की होगी अहम मीटिंग, सभी जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया। यूपी सरकार के मंत्रियों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री अपने अपने विभागों का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड, दोपहर 12:30 से 2 बजे तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। दिव्या भव्या नव्या काशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है सौगातों की बरसात, 1800 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन, कहा काशी में 8 सालों से चल रहा विकास उत्सव। नियमों के विरुद्ध प्लॉट लॉट करने के मामले में कार्रवाई, नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन मैनेजर गौरव बंसल निलंबित, तो स्याना गांव के भूखंड में आवंटन से जुड़ा है मामला। एमपी अपील कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई है 2 साल की सजा, 1996 के चुनाव में मतदान अधिकारी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाह ईदगाह मामले में 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, आज सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्ष ने दाखिल किया जवाब। सपा विधायक अब्दुल्ला आसम से ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की, करीब 6 घंटे तक ईडी दफ्तर में चली पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन में है ईडी। प्रयागराज के टाला में हुए हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर टेली सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में परवीन फातिमा ने दाखिल की है याचिका। मथुरा में गैंगस्टर सुल्तान की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने 55 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, सुल्तान के खिलाफ कई गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कौशाम्बी बस के कंडक्टर ने यात्री को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान, मामला हुआ दर्ज। बागपत में किन्नर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बधाई मांगने पर पिटाई, दूसरे किन्नर समूह के इलाके में मांग रहा था बधाई। गोरखपुर में बाढ़ ने बढ़ाए लोगों की मुसीबतें, रामगढ़ झील में बाढ़ग्रस्त लोगों का हेलीकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू, बाढ़ग्रस्त इलाकों में बांटे गए राहत पैकेट। बाढ़ की आपदा से निपटने की तैयारी में प्रशासन, श्रावस्ती में प्रशासन ने किया है मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने के लिए पहले से किया अभ्यास, राहत कार्यों की भी तैयारी। यूपी के गोंडा में भी बाढ़ का खतरा मंडराया, प्रशासन ने कसी कमर, आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, राहत सामग्री बांटी गई। उधम सिंह नगर के लालपुर में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान, उधम सिंह नगर में प्रशासन के सभी धर्मों के गुरुओं के साथ मीटिंग, कोर्ट के आदेश पर धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग।